नगर पालिका के खुदे फुटपाथ का स्वतः संज्ञान लेते हुए काम रोकने का आदेश जारी करने का जहां कस्बे के लोगों ने स्वागत किया था, वहीं पूर्ति विभाग के विरुद्ध बार बार शिकायतें आने पर तथा समाचार पत्रों व खबरें प्रकाशित होने के बाद भी जिला अधिकारी सहित तमाम जिम्मेदार अधिकारियों का संज्ञान नहीं लेना कहीं न कहीं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत की ओर इशारा करता है। आज मुस्कुरा विकास खंड के ग्राम खैरड़ी में कोटीदार के विरुद्ध घटतोली और अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने से संबंधित एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को संबोधित करते हुए तहसीलदार महोदय को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि गांव का कोटेदार नाथूराम पुत्र शिवचरण राशन वितरण में धांधली करता है तथा मिट्टी का तेल 50 रुपए लीटर की दर से देता है तथा अधिकांशतः लोगों को देता ही नहीं है। कहता है कि चाहे जहां शिकायत कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि नीचे से ऊपर तक मेरे द्वारा कमीशन दिया जाता है, इसलिए मेरी दुकान का कुछ नहीं होगा। ग्रामीणों ने तहसीलदार से न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान राम आश्रय, लवकुश, अनीता, हीरामणि, अनूप, वीरपाल सहित लगभग 2 दर्जन ग्रामीण मौजूद रहे। हमीरपुर से एबी लाइव न्यूज के लिए संवाददाता ज्योति वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? मेरा नाम महेश कुमार तिवारी है जी। ये मेरा ब्लॉक का अध्यक्ष है जी, मुस्कुरा का। उसका नाम राम आश्रय है। ये एक तो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के खेत में लोगों ने कब्जा कर लिया, उस पर है, और राशन कार्ड के बारे में भी कुछ लोग साथ में किसी के ब्लॉक अध्यक्ष के साथ में आ गए। तो ये समस्याएं राशन कार्ड की समस्या है, राशन कार्ड की ये समस्या है कि हमारा ब्लॉक अध्यक्ष बता रहा है कि राशन कार्ड जो कोटेदार है वो कोटेदार राशन नहीं दे रहा है। किस गांव के? लोधन खड़े, ग्राम लोधन खड़े।